गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम एक बार फिर से आपके समक्ष क्लास 5 चैप्टर नंबर 4 SST पेज नंबर 22। हम आपको लगभग वही स्टेशन, ठीक है, वनस्पति तक हम आपको पढ़ा चुके थे, ठीक है, हम आपको पूरा चीज़ें एक्सप्लेन कर चुके थे। लेकिन अब हम पढ़ेंगे यहाँ से वाइल्ड लाइफ से, ठीक है, जंगली जीवन। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो प्रोवाइड्स एन एक्सलेंट शेल्टर टू अ लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अगर हिंदी में इसकी मीनिंग देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होता है, ठीक है। कॉन्गो के प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ठीक है, वहाँ की जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, वहाँ का उन्मुख प्रकार के उत्तम प्रकार के शेल्टर, वहाँ पे आश्रय, ठीक है, शेल्टर का मतलब होता है आश्रय, और बहुत अधिक मात्रा में, विविध मात्रा में जंगली जानवरों के लिए आश्रय वहाँ पे पाया जाता है। एंटीलॉप्स, टाइगर्स, एलिफेंट्स, गोरिल्लास, राइनोसरस, लियोपर्ड्स, बेबून्स, हिप्पोपोटामस एक्सेट्रा, जिसमें कि एंटीलॉप्स हैं, इसमें से बाघ हैं, ठीक है, हाथियाँ हैं, वनमानुस हैं, राइनोसरस, लियोपर्ड्स, इसी तरह के अन्य प्रकार के जानवर हैं, आर कॉमनली फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। मुख्य रूप से ये सभी जानवर इस जंगल में पाए जाते हैं। लायंस, ज़ेब्रा, जिराफ्स, डियर, वोल्व्स एंड वाइल्ड डॉग्स रोम इन द सवाना ग्रासलैंड। ये सभी, जैसा कि आपको नाम बताया, लायंस, ज़ेब्रास, जिराफ, ये सभी जानवर क्या करते हैं, इस सवाना ग्रासलैंड में अपना जीवन आश्रय करते हैं, जीवन यापन करते हैं। क्रोकोडाइल्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर फाउंड इन द रिवर्स, ठीक है, घड़ियाल के साथ साथ अनेक प्रकार के, ठीक है, अनेक प्रकार के सांप की प्रजातियाँ भी इस नदियों में पाई जाती हैं। ओकापी, अ रेयर काइंड ऑफ जिराफ, ओकापी एक तरह का, एक नाम का एक जिराफ है, ठीक है। एंड द कॉन्गो पिकॉक्स आर फाउंड ऑल इन द फॉरेस्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। आपको बता दें कि जो कॉन्गो पिकॉक्स, जो मोर है, मोर होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे कॉन्गो के घाटियों पे, ठीक है, जंगल की जो कॉन्गो की जो घाटी है वहाँ पे आपको कॉन्गो पिकॉक्स मिल जाएंगे वहाँ पे। मैनी टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स सच एज बीस, बटरफ्लाइज, बीटल्स एंड टीसी फ्लाइज आर फाउंड हियर, ठीक है। तो आपको बहुत से कीट पतंगे मिल जाएंगे आप, जैसे कि बीस हो गए मधुमक्खियों, ठीक है, और यहाँ पे बटरफ्लाई मक्खियाँ हो गई, बीटल्स हो गई, टीसी मक्खियाँ हो गई, फाउंड हियर। ये टीसी जो मक्खियाँ, काफ़ी ख़तरनाक मक्खियाँ मानी जाती हैं, ठीक है। तो टीसी फ्लाइज, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो हम मूव करते हैं पेज नंबर 23, ठीक है। द टीसी फ्लाइज कॉसेस डेडली डिसीजेस कॉल्ड स्लीपिंग सिकनेस इन ह्यूमन बींग्स। जो टीसी मक्खियाँ होती हैं, वो अगर एक बार किसी को काट ले तो मनुष्य को सोने की बीमारी हो जाती है और नींद में वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, हमेशा के लिए। मैनी काइंड्स ऑफ कलरफुल बर्ड्स ऑल्सो लिव इन दिस फॉरेस्ट। आपको बता दें कि कई अन्य प्रकार के यहाँ पे जीव जंतु और जानवर भी यहाँ जंगल में अपना जीवन यापन करते हैं। द वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैज़ गिवन द नेम नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। आपको बता दें कि विविध मात्रा में जंगली जानवरों के लिए एक नाम दिया गया है यहाँ पे इनको, एक जो कि आप जू, कहीं जू में आप जाते हैं तो वहाँ भी इस प्रकार से यहाँ पे जू बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो के गणराज्य गणतंत्र के लिए लोग, ठीक है, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के लिए यहाँ पे एक अपना जू यहाँ पे बना दिया गया है, जैसे कि हर स्टेट में आपको देखने को मिलता है जू, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे अफ्रीका में भी एक जू जिसका नाम है नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का प्राकृतिक चिड़ियाघर। अब देखिए, एनिमल्स रोमिंग इन द सावाना ग्रासलैंड, देखिए कैसे कैसे जानवर यहाँ पे रोमिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक स्रोत, ठीक है। द डेमोक्रेटिक पीपल ऑफ कॉन्गो इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट एंड इंडस्ट्रियल डायमंड इन द वर्ल्ड। आपको बता दें कि जो कॉन्गो के प्रजातांत्रिक गणतंत्र के लोग हैं, इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट का प्रोड्यूसर ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। एंड इंडस्ट्रियल डायमंड इन द वर्ल्ड, और यहाँ पे डायमंड के हीरे की भी एक इंडस्ट्री यहाँ पे अलग से खोली गई है, ठीक है, विश्व की एक डायमंड इंडस्ट्री यहाँ पे खोली हुई है। इट इज़ ऑल्सो वेरी रिच इन मिनरल्स लाइक गोल्ड। ये जो है
खनिज में काफ़ी ज़्यादा ये धनी है, ठीक है। जैसे ये सोना हो गया, ठीक है, आपका तांबा हो गया, हीरा हो गया, मैंगनीज हो गया, कोबाल्ट, यूरेनियम, कोल, कोयला भी यहाँ तक है, ठीक है, ये काफ़ी धनी है सब चीज़। अब देखिए कटनंगा, ठीक है, कटंगा प्रोविंस इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इज फेमस फॉर वास्ट कॉपर फील्ड। ये पड़ता है दक्षिणी भाग में, इस देश के दक्षिणी भाग में ये पड़ता है। इस फेमस वास्ट कॉपर फील्ड्स, यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में तांबा का मैदान फैला हुआ है। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज ऑल्सो वेरी रिच इन वाटर रिसोर्सेज। जो कॉन्गो के प्रजातंत्र गणतंत्र के जो लोग हैं, यहाँ का पानी का भी स्रोत काफ़ी अधिक पाया जाता है। मैनी डैम्स हैव बीन बिल्ट ऑन द रिवर्स टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। बहुत से डैम्स भी हर एक नदी के किनारे बनाए गए हैं, वो इसलिए बनाए कि ताकि वो जल से बिजली प्राप्त कर सके। द इग्ना डैम ऑन द रिवर कॉन्गो इज द बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। देखिए हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, जहाँ हाइड्रो शब्द जुड़ जाए समझ लीजिए कि वाटर से ये वर्ड रिलेटेड है, ठीक है। द इग्ना डैम ऑन द रिवर कॉन्गो, कॉन्गो नदी पे ये बसा हुआ इग्ना डैम, और सबसे बड़ा जो है पानी से बिजली बनाने वाला प्रोजेक्ट माना जाता है पूरे विश्व भर में। इनफैक्ट द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोलिसिटी जनरेशन। कॉन्गो प्रजातंत्र गणतंत्र के लोगों में देखा जाता है रैंक ये सबसे पहले नंबर पे आता है, ठीक है, कॉन्गो में ये पहले नंबर पे आता है विश्व में पानी से बिजली बनाने में। उसका क्या नाम है? उसका नाम है इग्ना डैम, ठीक है। इंडस्ट्रीज आर नॉट वेल डेवलप्ड इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, कारखाने हैं, उतना डेवलप्ड, उतना उपलब्ध नहीं है जितना आज के हो गए, ठीक है। द मेजर इंडस्ट्रीज आर फूड प्रोसेसिंग, केमिकल्स, बेवरेजेस, टेक्सटाइल्स एंड सिगरेट्स। यहाँ के जो बहुत बड़ी मात्रा में जो इंडस्ट्रीज है, कारखाने हैं, वो खानों को संरक्षण करना, बचाना, ठीक है, केमिकल्स बनाना, बेवरेज, टेक्सटाइल्स एंड सिगरेट्स को बनाना, ठीक है, ये सब चीज़ें की इंडस्ट्री यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है। इन द कंट्री पेट्रोलियम रिजर्व्स हैव बीन एक्सप्लोर दिस डेज। आपको बता दें कि इस देश में पेट्रोलियम रिजर्व्स आर बीइंग एक्सप्लोर्ड दिस डेज। आज के दिनों में पेट्रोलियम का भी काफ़ी क्या होने संरक्षण होने लगा है, पेट्रोल का भी, और इसकी खोज भी होने शुरू हो गई है। बकवा इज़ फेमस टूरिस्ट सेंटर, इट हैज़ ए ब्यूटिफुल लेक। बकवा जो है एक सुंदर भव्य जो है पर्यटक स्थल है, ठीक है। इसके पास एक बहुत सुंदर सा झील भी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जितने वीडियोस हम आपके लिए बना रहे हैं, काफ़ी मेहनत करके हम आपके लिए बना रहे हैं, ताकि आप मेहनत करके पढ़ें, ठीक है, ताकि आप अपने माँ बाप के नाम को ऊंचा कर पाए, ठीक है। इस लॉकडाउन में आप नहीं ज़्यादा ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम आप घर पर बैठ के पढ़िए, ठीक है, इसी में आपकी भलाई है। जितनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं, उससे कई गुना मेहनत आप करिए, ठीक है। तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियोस में एक नए एपिसोड के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। अपने कीमती समय को हमारे साथ बिताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।